नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज 15 अगस्त के दिन मैं अपना अगला वीडियो लेकर हाजिर हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आज के दिन आपको फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक आजादी प्रदान करे। सो आपको ऐसे कुछ शेयर्स भी जो हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किए हैं वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज के दिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो कुछ एड्रेस किए हैं मैं उसके बारे में बात करूंगा, जो फाइनेंशियल है, पॉलिटिकल नहीं बात कर रहा हूँ। की टेक अवेज जो है उनके एड्रेस से वो ये है कि उन्होंने इंफ्रा और कैपेक्स में बहुत ज्यादा फोकस करने की बात की है। उसमें वो पहला चीज है कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू लॉन्च गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। अब इसमें क्या होगा कि सरकार जो पैसा खर्च करने वाली है, दे आर गोइंग टू डू इट ऑन इंटेग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स। वाटर वेज बनाएंगे, एयर वेज बनाएंगे, रेलवे बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे। 75 वंदे भारत ट्रेन टू बी लॉन्च एंड फोकस विल बी ऑन द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। लोकल मैन्युफैक्चर टू गेन थ्रू बेटर कनेक्टिविटी इन लॉजिस्टिक्स। सो व्हाट आर द कंपनीज विच आर गोइंग टू बेनिफिटेड विद द वंदे भारत ट्रेन? IRCTC विल बी द वन कंपनी विच विल बी द gaining with this, and there will be many more. So I will be discussing a detailed company-wise impact in the, my next video. Then second was the to become the energy independent, because energy is a bigger problem. We are dependent on the foreign countries. So if we can focus on our energy, our own energy, that is the green energy, like CNG and PNG, national network has to be there. Ethanol blending is going to be increased to 20%. Electric mobility has to be there. Zero carbon emission by Indian Railways. 450 gigabytes renewable energy target by 2030. Solar energy will be the in focus. Green hydrogen, national hydrogen mission will be is announced, and domestic production and the global hub for the exports will be created. Rural, agri and social oriented spend schemes to further advance any social security schemes will continue. Government's Make in India PLI schemes will continue, and इसके अलावा जो दूसरे चीजें हैं, not in details, but water conservation focus रहेगा, digital India जो आज की तारीख में digital revolution India में आया हुआ है, उसके ऊपर focus रहेगा, optic fiber connectivity in villages, because in हम जो देख रहे हैं COVID-19 pandemic में rural areas में जो गरीब बच्चे हैं, दूसरे लोग हैं, उनके लिए internet available नहीं है। So in that case, optic fiber connectivity has to be there. Less cash transactions, there will be single use plastic will be removed, and Swachh Bharat mission will continue. So basically, agar main finance point of view se dekhta hu to government ka focus will be on infrastructure, and government is going to do it on the energy sector. So ye do sector ki companies kaun kaun se ho sakti hain jahan aapko fayda hoga, we will discuss in the next वीडियो ऑफ माइन। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई एम कमिंग ऑन द रूटीन अपना है जो शेयर्स का। पिछले हफ्ते स्मॉल जो कैप के शेयर्स थे उनकी पिटाई हुई, जबरदस्त पिटाई हुई, लगभग 200 पॉइंट के आसपास निफ्टी में करेक्शन आया, और उसके बाद थोड़ा रिकवरी आई फ्राइडे, लेकिन उससे पहले काफी पिटाई हुई, लाल में रहे काफी। आंध्रा शुगर अभी भी 569 का, मेरा 520 का टारगेट था। सो आप मान लीजिए दैट इट हैज क्रॉस इट्स टारगेट्स। नेक्स्ट टारगेट आपका 730 रुपए का, 730 रुपए का 730। उत्तम शुगर अगेन 300 का टारगेट मैंने बताया था, 198 पे है, जो 51% ऊपर है। 308 टच करके आया, दैट यू ऑल नो उगर शुगर। और ये गवर्नमेंट ने ब्लेंडिंग की बात की ना, एथेनॉल ब्लेंडिंग, तो ये सारी कंपनियां भाग जाएंगे। अब सुबेक्स नीचे था, अभी अचानक फिर से आप देखिए 12-13% का हाई लगा उसमें एक दिन में, सो इट विल ग्रो अप। जो BLS फाइनेंस है 310 का मेरा नया टारगेट है, 219 करेंटली चल रहा है साहब, 128 रिटर्न दे चुका है। अदानी गैस 1300 पे मैंने रिकमेंड किया था, अभी 917 का है, काफी लॉस पे, बट आई होप दैट इट विल रिकवर। HR मेटल अगेन 131, हिंदुस्तान टिन वर्स 113, 66% ग्रोथ दिखा रहा है। फ्लेक्स फूड 56 की। अनुफार्मा 8% नीचे है, बट 160 से काट के आया। फिलाटेक्स 1%, यानी कास्ट टू कास्ट चल रहा है, काफी दिनों से फंसा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में।
सतलज टेक्सटाइल 69 पे है, तो 43.75 पे आप ग्रोथ दे रहे। जेएसडब्ल्यू स्टील 7.7%, पीएनबी में थोड़ा नीचे है, बट आई फील दैट नीरव मोदी इशू के बाद इट विल कंटिन्यू टू ग्रो, नाउ दैट्स द रिकवर विल कम। एसबीआई 7.35%, मैं इसके टारगेट जो 480 है इस वीक पूरे होने की संभावना लगते हैं मुझे। वीटीएम 39 पे है, 34% अप। बेरेंची 6.52 पॉजिटिव। पटेल एयर टेम 209 पे, 301 का मेरा नया टारगेट था उसका। कैनरा बैंक 156 पे है, सेयंस इंडस्ट्री 136 एंड पॉन्डी एक्साइड 432। मैंने न्यू टारगेट जो इसका दिया है वो आपको बताया था पिछले हफ्ते की 550 का है। इंडो एमिनीस 252, जय कॉर्प अपना 200 का टारगेट दिया 136 पे है। मैन एंड बेयरिंग 77-81 का टारगेट है, इस हफ्ते पूरा होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। शिवालिक 172, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट अगेन 72 एंड रेणुका शुगर काफी अच्छी पिटाई हुई है प्रॉफिट के बाद, 47.8 का हाई लगाया। प्रॉफिट बुकिंग इज कंटिन्यू। लोअर सर्किट 26.8, आई होप टुमारो ऑनवर्ड्स शुगर स्टॉक्स विल सी अप एंड बट माय टारगेट ऑफ 100 इज इंटैक्ट, देयर इज नो चेंज इन दैट। मुंजाल ऑटो 89, करंट मार्केट प्राइस 62 है, सो प्रॉफिट। प्रोजोन इज गोइंग टू डू गुड, अभी लॉसेस में है, सो इफ यू कैन नॉट होल्ड डाउन द लॉसेस विल बी नॉट, सो 10% का या 5% का लिमिट बनाइए। व्हेन एवर द प्राइस गोज बिलो 5% एग्जिट, 10% व्हाट एवर द लॉस यू कैन होल्ड ऑन। एरिस 745 का टारगेट, 730 है ऑलरेडी, 738, सो देखिए इट विल ग्रो। 822 टच करके आया था। टाटा मोटर्स का ये हफ्ता रह सकता है। लंबोधारा टेक्सटाइल 92 है, आई होप इट विल डन द टारगेट। 75 का सिंप्लेक्स का है। रिलायंस केमोटेक्स 200, 136 का टारगेट अभी करंटली चल रहा है। रिलायंस पावर 25, आरबी, सो सेल इज द न्यू कंपनी विच विल बी इन दिस इंफ्रा प्रोजेक्ट में, सेल विल बी द मास्टर परफॉर्मर। एचएफसीएल करेक्शन पे चल रहा है, 69 पे है, 34% की ग्रोथ दे रहा है। पावर फाइनेंस 128.45%, डाटामेटिक्स 76%, टारगेट इज ऑलरेडी अचीव्ड, न्यू टारगेट फॉर 400 होल्ड ऑन। आंध्रा पेट्रो एंड दोज हु डू नॉट वांट टू होल्ड कैन बुक देयर प्रॉफिट्स बिकॉज़ इट हैज गिवन गुड प्रॉफिट ऑलरेडी, सो आंध्रा पेट्रो कंटिन्यू टू होल्ड। 200 विल बी टच आई होप दिस वीक। माइंड टेक 1085 का टारगेट था, 108 चल रहा है, टारगेट पूरा हो चुका है। यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड फॉर 138 का टारगेट के लिए, 138 का टारगेट के लिए देखिए। सेवको 86 का टारगेट है ना इसका, सो नया 56 पहले अभी देखिए टच होता है ये। पीजी फाइल 209, टारगेट इस हफ्ते पूरा होने की संभावना है, 209-219 होके आया है। कॉट्स केबल 98 का टारगेट दिया था, 58.5 पे है। अरिहंत कैपिटल 178 का टारगेट है, 160 चल रहा है, तो आई होप दिस वीक द टारगेट विल डन। आरती ड्रग्स रियली डिसअपॉइंटिंग टू मी दैट ए गुड कंपनी स्टिल नॉट रिकवरिंग इन द डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है इसका, सो वंस इट क्रॉस 729 यू विल सी द न्यू हाइट्स, टिल देन इट इज इन नेगेटिव। Akint Industries 162 with this infra project, I hope this company should grow. Tarmet 80 का टारगेट दिया था, 76 अब पहुंच गया है। राणा शुगर 40 का टारगेट दिया था, 27 है इसका। एंड बैंक ऑफ बड़ौदा 102 का टारगेट है, भाई साहब इसके पूरे होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सत्य दीपक स्पिनर्स टारगेट 345, होल्ड इट ऑन। एंड ल्यूमैक्स ऑटो 178 का टारगेट है, 156 चल रहा है, सो पूरा हो जाएगा। एंड CDSL टारगेट 1355, 1246 एंड 17-18% रिटर्न दे रहा है। GIPC 124 का टारगेट है, 88 पे चल रहा है, -9। नाहर कैपिटल 346 का टारगेट, 292। सिंक्लेयर इंडस्ट्रीज 112, एशियन होटल्स 225, टारगेट 181 पे चल रहा है, सो ये दोनों स्टॉक नीचे चल रहे हैं इस समय। राम रत्ना पावर 139 चल रहा है, 158 बोला था आपको। हरियाणा शिप ब्रेकर्स 121, गणेशा वेंजोप्लास्ट 15% नीचे है, एवॉन मोर 8% ऊपर यानी 46%। 9 अगस्त को जो आपको शेयर्स बताए थे, वेल इज 98 पे है, वेल डूइंग गुड। देन आपको ITC बताया था 350 का टारगेट, 211 चल रहा है। अब आपको पता स्लो मूवर है, इट मूव्स देन मूव्स।
सिनेलाइन 134.91 पे चल रहा है, राघव प्रोडक्टिविटी 838 एंड टाटा पावर 132। सो करंट मार्केट प्राइस, सो टाटा पावर अपने टारगेट के पास में है इस समय। आई होप दिस वीक इट विल डन। नाउ कम्स, लोगों ने मुझसे ये पूछा था, साहब आपने ये जो नए चार आईपीओ आए हैं, कार्टेड, नोवोको, एप्टास एंड सनमार, आपने इनके बारे में कुछ नहीं बताया। तो दोस्तों, आपको पता है कि कई बार टाइम नहीं मिलता, सो टाइम नहीं था इसलिए नहीं बता पाया, लेकिन इनकी जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एंड गेंस हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो जिस भाई को अलॉट हो जाए वो हिसाब से अपनी गेन को कैलकुलेट कर सकता है। आज मैंने उसमें देवयानी जो पहले आया था उनकी भी बात कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो जो कंपेरेटिव आईपीओस का था उसे बताया है। देवयानी जो है 55 रुपए का पर शेयर प्रॉफिट दे सकता है आपको लिस्टिंग गेन। कृष्णा 275 के आसपास, एक्सआरओ 8 से 10 के बीच में, नबको 12 यानी जो नया है जिसको मिल जाए ठीक, विंडला 65, लेकिन टोटल गेन इसका ज्यादा होगा कि नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास ज्यादा है। सेम विद देवयानी। कार्ट्रेड 290 सबसे ज्यादा प्रॉफिट आज की तारीख में इसी में आ रहा है। सनमार 35 एंड एप्टस 38। बट आई फील दैट एप्टस विल लूज सम पार्ट, बट 35 इधर कैन बी रिवर्स लिस्टिंग गेन्स, और 5 रुपए ऊपर नीचे का कैलकुलेट कर सकते ही चलेगा। सो दोस्तों, 15 अगस्त के दोबारा आप सभी को शुभकामनाएं, आपको आर्थिक आजादी मुबारक हो, और साथ में आप लोगों से उम्मीद है कि आपका जो चैनल है फिन ग्रोथ मंत्रा, आप उस पर अपना प्यार इसी तरह बनाए रखेंगे और उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बताते रहिए कि कैसे वो इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन प्लीज एनालाइज बिफोर पुटिंग योर मनी, आपकी अपनी पॉकेट को आप ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे एंड न्यू बिगिनिंग ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर फॉर यू आफ्टर दिस इंडिपेंडेंस। थैंक यू वेरी मच।